लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे ये सब तुम लती कहाँ से है? क्या अरे मेकअप बाबा लगा के तुम और भी खूबसूरत हो जाती हो। ये सब इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट नहीं बच्चों, इम्पोर्टेड यानी बाहर से आई हुई चीजें। अरे बाबा इसका मतलब है कि बाहर से कोई मेहमान आएगा तो वो भी इम्पोर्टेड होगा? नहीं भाई, बाहर से आया मेहमान तो इम्पोर्टेड होगा, और जब तुम्हारा किसी बाहर से आने जाने वाले से किसी से कोई लेना देना नहीं तो हम इनकी बात क्यों करें? ठीक है बाबा, लेकिन इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? जिस बात का तुम्हें पता नहीं तो उस बात में घुसते क्यों? अरे बाबा मैं कोई चूहा हूँ जो मैं हर बात में घुस जाऊंगा? अरे तुम्हारा लड़ने का मूड है बरी तो मुझे वैसे ही बता दो, लड़ लेते हैं। मैं तुमसे क्यों लड़ूंगी भला? बरी फिर तो प्यार से भी बात की जा सकती है। मुझे ना बात ही नहीं करनी आपसे। ये बेहतरीन हो गया बाबा, ये क्या बात हुई? अरे बाबा किसका ये किसका नंबर है बाबा? हेलो हेलो, कौन? किरण? कौन है किरण साईं? अरे बाबा किरण कैसी है तुम? अरे बड़ी किधर से बोल रही है? अमेरिका? क्या? अरे बाबा तुम आया हुआ शहर? बाबा आ जाओ, कब आ रहे? थोड़ी देर में। ठीक है बाबा, हम करते हैं बंदोबस्त। हाँ बाबा आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक ठीक है। अरे जानी, हाँ सीमा तुम क्या कह रही थी, हमारा कोई जानने वाला बाहर नहीं है? अरे बाबा हमारे भी जानने वाले हैं बाहर मुल्क में। ये तुम इतनी देर बाद ये सोच कर आए हो? तो इतनी देर बाद जो चीज याद आए ना, वो ताल्लुक नहीं इत्तेफाक होता। अरे नहीं बाबा, हम तुमको बताता है, हमारी कजन आ रही है बाबा अमेरिका से। तुम्हारी कजन अमेरिका से? अफ्रीका से आ रही होगी। अरे नहीं बाबा नहीं, अमेरिका से आ रही है किरण। किरण सूरत से आती, अमेरिका से नहीं। अरे बाबा मेरी किरण आ रही है अमेरिका से। मेरी? अब मेरा मतलब है कि मेरी कजन किरण आ रही है अमेरिका से। अच्छा, किस खुशी में आ रही है? अरे वो, अरे बाबा कौन आ रहा है? बाबा किरण आ रही है। अरे हमारी माँ साथ किरण आ रही है। बाबा हमारी किरण, हमारी खाले से तने हमारी किरण आ रही है। क्यों बच्चू, कॉपीराइट ले रखी है उसके? बाबा ये तो सारी जिंदगी जलती ही रहेगी। जिस गंवार खानदान का कोई एक फर्द गलती से मुल्क से बाहर चले जाते हैं ना, उसके लोग ऐसे ही से रहो चलते खुशी मनाते। चलो पापा चलो, तुम चलो। मैं क्यों चलूंगी? अरे बाबा इसीलिए कि हमारे खानदान में भी तुम्हारे जैसा कोई पढ़ा लिखा है। अरे नहीं बाबा, इससे कई गुना ज्यादा है। बाजाई तुम्हें सगरों अंदर जाके ना वो जले पे लगाते ना, जरा वो लेकर आ जाओ। बच्चो यार किस किस्म के लोग हैं यार, इतने थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं यार। अरे बच्चू साहब। अरे जानी सही तैयारी करो, बड़े खास मेहमान आ रहे हैं। मेहमान आ रहे हैं या दुश्मनों की फौजें? अरे मेरा मतलब है सही, खाना पीना अच्छा बना लो, सफाई का इंतजाम ठीक कर लो। किसके मेहमान आ रहे हैं? अरे बाबा मेरे और किसके। फिर तो खैर है, कोई मसला ही नहीं है। सरसों का साग, मकई की रोटी, लस्सी, बेफिक्र हो जाए आप। अरे नहीं बाबा, गांव से नहीं आ रहे मेरे मेहमान। फिर आपके रिश्तेदार तो ना हो ना? क्या मतलब है तुम्हारा जानी? मेरा मतलब है ऐसा कौन आ रहा है जो आपके गांव से नहीं है? अरे बाबा मेरी कजन आ रही है अमेरिका से। आपकी कजन और अमेरिका से? माना कि आपकी हर चीज सीमा मैडम की है और उनकी आपकी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उनकी कजन को अपना बना ले? अरे नहीं सही नहीं, मेरी कजन है बाबा, मेरी खालिस मेरी कजन है बाबा, मेरे चाचा मामा ताया की बेटी है बाबा, वो पढ़ने विलायत चली गई थी। तो वाकई हैरानगी वाली बात है। हाँ बाबा अब बस ख्याल रखना खाने पीने का। जी आप बेफिक्र हो जाए, अमेरिका से तो जो चीज भी आती है वो हमारे लिए काबिल है। कहाँ मैं? हाँ बाबा बस आप कुछ अच्छा सा बनाना। बस एक बात होता है, फैमिली के साथ आ रही है? नहीं बाबा फैमिली कहाँ, बाबा अकेली है। अच्छा आने दे, फैमिली यही बना लेंगे हम।
मतलब है कि फैमिली की तरह ख्याल रखेंगे। हाँ शाबाश जानी सही, शाबाश। अमेरिका की पार्टी और कुंवारी। जानी तुम यहाँ? यहीं हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा मैं क्या? ओ ओ ये तुम गार्डन में गोल गोल घूम रहे हो, ऑफिस ही जाना काम से? हाँ हाँ जाना तो था, लेकिन बच्चों साहब कह रहे हैं कि उनकी कोई कजन आ रही है अमेरिका से, तो उनके कामों में लग गया हूँ मैं। तुम मेरे मैनेजर हो या बच्चों के? हाँ मैनेजर तो मैं आपका हूँ, लेकिन नौकर तो मैं बच्चों साहब का हूँ ना। छोड़ो तुम ये सब, ऑफिस जाओ, ऑफिस का काम ज्यादा जरूरी है जानी। अरे भाई यही तो समझा रहा हूँ कि ये जो काम कर रहा हूँ ये ज्यादा जरूरी है। ओहो तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, तुम क्या सुन रहे हो? अरे भाई मैं भी तो यही बता रहा हूँ आपको कि आज रहने दे, मैं कल परसों जाके ऑफिस का काम कर लूंगा। तो आज जाने में क्या है? बताया तो है बच्चू साहब की कजन आ रही है। तो बच्चू और उसकी कजन जो अभी आई भी नहीं, मेरी जिंदगी आसान में कट गया। अरे बच्चू सामान तुम क्यों उठा रहे हो? अरे बाबा अपने काम में शर्म कैसी? हाँ स्वीट अब रख भी दो। हाँ बाबा बैठो ना बाबा, बैठो 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 बैठो। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे सही बैठ रहा है, बोलो तो खड़ा हो जाए क्या? मेरा मतलब है ऊपर बैठो। अरे नहीं सही, हम तो जमीन से जुड़े रहने के आदि हैं। हाँ हाँ आई नो, बट मेरी बात मानो और ऊपर बैठो। अच्छा सही अच्छा, ये लो अब बैठ के। बच्चू तुम्हारी इसी सादगी पे तो मैं फिदा हूँ बचपन से। बच्चू क्या बात है? बच्चू ये कौन है? अरे वो बताया था ना बाबा, मेरी वो मेरा मतलब है मेरी कजन किरण है बाबा, अमेरिका से आया है। बच्चू तुमने इनसे शादी की है? आ, क्यों? काश मैं पहले आ जाती। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं? इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि शादी में शिरकत कर लेती ही अगर आ जाती है ना, है ना? हाँ ये भी, लेकिन मुझे तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, लेकिन शायद आपको नहीं लगा। ऐसी बात नहीं है। वो जरीना कहाँ है? वो भी आई है। रियली? जी हमने उसको गोद ले रखा है ना, अब असल में जैसे ही बच्चों की रुखसती हुई अगले दिन ही वो जेएस के मत में यहाँ आ गई। अरे मतलब छोड़ो सही, तुम कैसी बातें करता है, क्या हो गया है, कैसी बातें करो, छोड़ो इसको। छोड़ दिया। खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। अरे बाबा तुम तो बड़ी खूबसूरत हो गया है अमेरिका जाके। अरे अदीप जी तुम कब आई बाबा? ज़रीना माय लवली हाउ आर यू? अरे बाबा तुमने बचपन के बाद अब देखा है इसको, तुम पहचानी कैसे इसको? हाँ इसकी आवाज और गला वैसे ही है फटा हुआ। खैर तुम सुनाओ कैसी हो? अरे बाबा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम तो अफ्रीका जाके मुझको भूल ही गई हो। अफ्रीका नहीं अमेरिका है तो बार गाँव। कौन है ये? अरे बाबा हमारी कजन है मेहमान। ऐसी कजन? पक्की बात है आप ही के रिश्तेदार हैं? क्या मतलब है तेरा? अरे बाबा चाय तो दियो मेहमान को। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये चाय मैं दोबारा बना के लाता हूँ। मगर क्यों? असल में मैं समझा था कि आप लोगों का रिश्तेदार आया, लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग है, मैं जरा स्पेशल किस्म की चाय बना के लाता हूँ। सच अ इंटेलिजेंट पर्सन। दोबारा बोले, बहुत मजा आया। अच्छा बाबा जाओ चाय लेकर आओ। दोबारा बोले। हाय हाय। मेरा उर्दू वाला हाय था। अच्छी बताइए क्या कर रही हैं आप? क्रिकेट खेल रही हूँ। बस तो फिर हमें अंपायर रख ले आप। वेरी फनी। थैंक यू। आप किसी काम से आए थे मेरे पास? हाँ वो जी जी आप बोलिए। पूछना ये था कि शाम को डिनर में क्या लेंगे आप? अभी कुछ सोचा नहीं। डिनर का पूछा है, कोई शादी का तो नहीं पूछा? आपको कभी किसी ने बताया नहीं कि आप कुछ ज्यादा ही बोलते हैं? बताया था मेरी मंगेतर ने, बता दी बहुत हो गई। बहुत अफसोस हुआ। खैर इंसान को आगे का देखना चाहिए। आगे? आगे तो दीवार है। चढ़ जाएं आप, मेरा मतलब है दीवार पे चढ़ जाएं आप। जब तक दीवार पे चढ़ेंगे नहीं तो उस पार कैसे देख पाएंगी? मैं ऐसा करता हूँ जरा डिनर की तैयारी करता हूँ। मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में
जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा। मैडम अगर मीठा खाने को दिल कर रहा है तो मैं बना देता हूँ और खिला भी देता हूँ। मैं खुद भी खा सकती हूँ। ओहो, एक तो अमेरिका जाके अंग्रेजी आए ना आए एटीट्यूड जरूर आ जाता है। मेरा मतलब ये था कि मीठा ला देता हूँ, प्लेट और चम्मच के साथ खुद ही खा लीजिएगा। नहीं अभी नहीं, आई एम फुल, थोड़ी देर बाद। चलिए जब आपका मूड हो मुझे बता दीजिएगा, मैं ला दूंगा आपको। ओके थैंक्स, मैं जरा आराम कर लूं। आपको बहुत जरूरत भी है। हाय, वैसे एक बात है, अमेरिका जाना बहुत मुश्किल। वैसे मीठे में क्या बना रहे हो? वही जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। खीर? मैं क्यों? किरण मैम को बहुत पसंद है इस वजह से। मगर सैलरी ना आपकी मैं नहीं देंगी। मैं हमेशा याद रखता हूँ, भला जी बात कोई भूलने वाली है? तो आइंदा जो भी हो मेरे हुक्म के बगैर ना हो। शबाना, शबाना तुमने मुझसे बेवफाई क्यों की? तुमने मुझ जैसे लड़के से बेवफाई की? बोलो बोलो क्यों क्यों? अरे आप कुछ साइको है यार, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ यार, मेरी जान छोड़े। क्यों टेंशन में हो? क्या बीवी से लड़के आ रहे हो? बीवी? अरे यार मेरी तो शादी नहीं हुई यार। क्या हुआ अगर शादी नहीं हुई? शादी करवा देते हैं, बुलाओ काशी को। यार मेरी शादी ना करवाए, जाके अपना इलाज करवाए। जरा ये थोड़ा पढ़ तो लो। अरे अगर तू नहीं निकला मैं तेरा खून कर दूंगा। खून? रुखसाना, रुखसाना मैं ऐसा लड़का, रुखसाना नहीं शबाना, शबाना मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। शबाना, शबाना रुखसाना। अरे अंकल आप डॉक्टर हैं, आपको डॉक्टर की लाइनें बोलनी है। अरे अंकल जब आपको ये काम नहीं आता तो ऐसी क्या आफत है कि आपको यही काम करना है? अच्छा चले बोले, दोबारा सुनाए अंकल। अब देखना मैं सही बोलूंगा। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं रात दिन एक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें बड़ा आदमी बना कर रहूंगा बेटा। अरे अंकल पहले आप खुद बड़े एक्टर तो बन जाएं, उसके बाद बात करिएगा। बच्चा बच्चा से लीड कर रहा मुझे, इधर लाओ, चलो चलो जाओ जाओ। रंगीले मियां मायूस क्यों होते हो? एक दिन आएगा तुम टेलीविजन के और फिल्म के सबसे बड़े एक्टर होगे और ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन लगी हुई होगी। ऑटोग्राफ? ऑटोग्राफ लेने वालों की नहीं, उधार वापस लेने वालों की लाइन लगी हुई होगी। अच्छा रंगीले मियां। मैं आ गया आ गया। ये आप खा लेंगी? ये कैसा सवाल है? मेरा मतलब अगर आप थक गई हैं तो मैं अपने हाथों से खिला दूं। क्या मेरे हाथ नहीं है? मैं खुद नहीं खा सकती। हाँ अगर खाऊंगी तो बच्चों के हाथ से खाऊंगी। अरे भाई खीर ना, अरे तुम्हें तो बचपन से पसंद थी, मुझे याद है। तुम्हें याद है बच्चों? लो खिलाओ। ला 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 बाबा खीर। क्या बात है, तुम्हें तो सब याद है। अरे सही तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़ा रहा? चलो जाओ खीर खिलाने दो, कबाब में हड्डी। बाबा बच्चों के हाथ से खाकर मजा भी आया होगा, मजा अच्छी भी है ना बाबा। इसे क्या? यानी मुंह बना हुआ है। अपना मुंह देखा है? हमेशा से ही बना हुआ होता है। हाँ बना ही रहता है मेरा मुंह भी। ठीक ही कह रही हो तुम। अब एक बात बताओ, ये किरण कैसी लगी तुम्हें? पहले तो मुझे अच्छी लगती थी पर अब जहर लगती है। वो क्यों? हर किसी पर डोरे डाल रही है। लेकिन तुम तो उसे अपनी भाभी बना रही थी। अरे भाभी बनाने के चक्कर में मुझे क्या पता था, मेरा होने वाला तो आगे डगमगाने लगेगा। तो फिर अब क्या करोगी? क्या करोगे? उसका सर फोड़ दूंगी मैं। नहीं नहीं भगाना है, लिटाना थोड़ी है। तो बाबा फिर क्या करूं मैं? देखो तुम मेरा साथ दो, ये काम हम दोनों मिलकर कर लेते हैं, हैं? नहीं मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। ठीक है फिर चलती हूँ मैं। रुको। क्या हुआ? अच्छा फिर हम ये करेंगे कैसे? ओ बनाते हैं ना कोई प्लान, तुम मेरे साथ तो आओ। अरे बाबा कुछ बताओ तो सही, क्या करना है? ना कुछ सोचने दो, तुम ही सोचो सोचो सोचो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई क्या बात है? ये क्या हो रही है बना हुआ? देख नहीं रहे हो
जाली डॉक्टर बना हुआ है? अरे नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, वो ड्रामे में एक छोटा सा रोल मिला डॉक्टर का, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप लोग मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? देखो कोई फालतू टाइम नहीं, निकलो यहाँ से, हम पहले से ही बहुत परेशान है। अरे भाई रंगीले मियाँ के होते हुए परेशान है? देखो हम तो आपके हमेशा काम आए हैं, जब भी कोई मुसीबत का वक्त आए। आप मुझे बताएं क्या काम है? तो आप यानी हमारी मदद करेंगे? अरे भाई आप हुक्म तो करें। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप ये मुझे याद करवा स्क्रिप्ट। ठीक है ठीक है, बोलना शुरू करूं? अरे बाबा बोलो अभी। उसकी दिमागी हालत खराब होती जा रही है, वो किसी वक्त भी किसी की जान ले सकता है, उसे चाकू छुरी दूर। आइडिया कैसा आइडिया? अरे बाबा कोई मुझे भी तो बताओ कौन सा आइडिया। खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। मैं तो कुछ भी नहीं बाबा, मैं अल्लाह साईं से दुआ कर रही हूँ, मेरे दादा की रिपोर्टें जो आने वाली है। है डॉक्टर अदा के? यू मीन बच्चों के डॉक्टर? तुमको नहीं पता क्या? नहीं मुझे नहीं पता, क्या हुआ है? आए, आए, मेरा बेचारे अदा जो है ना वो ठीक नहीं बाबा, उसका ज़हनी तवादन खराब है। अब रोए नहीं, लेकिन ये कब हुआ? बहुत अरसा हो गया है। पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर कुछ भी नहीं, बस वो डॉक्टर आने वाला है, सीमा को सारी सूरत हाल बताएगा कि मेरे दांत को क्या हुआ है। आओ चलो, वो डॉक्टर आया होगा, सीमा को सूरत हाल बता रहा होगा, तुम भी चल के खुद ही सुन लो। कहाँ रह गए? बस आप तैयार है, मैं देखती हूँ। मारे मारे नजर शुरू। अरे भाई उनकी दिमागी हालत से बिल्कुल धोखा ना खाएं, वो किसी वक्त भी किसी पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। उसे चाकू छुरी दूर रखें और इमरजेंसी की सूरत में आपको कॉल करें, है ना? अरे नहीं भाई, पुलिस को फोन करें। पुलिस को और फिर आपको कॉल करें? नहीं नहीं, फिर आपने करना है ईडी एम्बुलेंस को और आखिर में फिर मुझे। हाँ एक मियां में दो तलवारें। ओहो जानी ये छोड़ो, एक काम करो। हुकुम हुकुम। मैं बताऊँ। हाँ जरीना बताएगी। हाँ बाबा तुम ऐसा करो कि वो छोकरी तो यहाँ से चली गई है, ये तुम्हें पता है वो तो बहुत ज्यादा पागल थी, घर का नुकसान भी हो जाता और उसने मेरा सारा सामान भी चोरी। भाजी तुम बताओ तो सही, तुम्हारे कपड़े भी लेकर तो चली गई, ने सब कुछ जला दिया। हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है तो फिर सबसे पहले तुमने जाके उसको पीछे वाले का मुंह बंद कर दिया, उसको कोई पता नहीं हो जब आउट होती है ना, वो डॉक्टर ने कहा है वो तो लोगों को दबा करने लगती है। हाँ तो अपना ख्याल रखना है, तुम्हारा ख्याल रखना है, और इसका जरीना को तो उससे बिल्कुल बचा के रखना है। मेरा ख्याल है जरीना से कोई प्रॉब्लम आप समझ आ गई है? कैसे काटू मैं इसको, कैसे काटू मैं इसको, खाने में भी देर हो रही है। अरे बाबा क्या करता है, तुम मेहमान के सामने जलील करवाएगा इसको, ऐसे काटते कैसे कैसे? पकड़ बाबा, पकड़। मैं पकड़ता हूँ, ये ले बाबा, पहले इसका ऐसे। अरे बाबा ये काटा, देखा बिल्कुल, बाबा फिर पकड़ो इधर से, ये इधर से पकड़ो, ये वाले टांग पकड़ो, ये वाला काटा, ये बाबा फिर यहाँ से पकड़ता है इसको, एक गर्दन पकड़ो बाबा, मुर्गी पकड़ो, पकड़ ली आराम से, ये इसका गर्दन कटेगा यहाँ से, ऐसे काटते एक दफा देख लो, हम बार बार नहीं बताएगा। बच्चू भाई आप तो इतना अच्छा काटते, ये काम छोड़ क्यों दिया? बकवास नहीं करो, नेक्स्ट टाइम तुम्हें कैसे देगा। ये लो बस ठीक है, इसको डालो इंडिया में, हमें जल्दी से खिलाओ। हाँ ठीक है, काम तो हो गया अपना। देखा बेचारे की हालत कैसी हो गई है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अब कुछ भी हो देखो बाबा तुमको शादी तो करनी पड़ेगी, वरना तुम्हें ये काट देगा। नहीं नहीं मैं तो आज वापस जा रही हूँ, मुझे गांव में भी तो सबसे मिलना है ना। नहीं नहीं लेकिन अदा तो तुम्हें जाने ही नहीं देगा ना। नहीं नहीं मुझे लाजमी जाना पड़ेगा, मैं ना चुपके से निकल जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम बोल रही हो तो जाओ बाबा, लेकिन किसी को बताना नहीं तुम। मैं चुपके से चली जाऊंगी। ठीक है सामान ले लो, मैं जरा सामान ले लो, जल्दी जाओ।
अलावा किरण तुम किधर जा रहे? अब कहीं नहीं, मैं बस आ रही हूँ, तुम अंदर जाओ। अरे लेकिन किरण जा किधर रहे ये तो बताओ। हाँ मैं आ रही हूँ, तुम जाओ तो सही, तुम जाओ अंदर जाओ। अरे पापा, अरे रुको तो सही, अरे सही क्या हो गया, ये किधर भागी है? जानी, अरे सीमा, ये सरासर ज्यादती है, मुझे बेवकूफ बनाया गया। कह रहे थे रास्ता साफ हो जाएगा, वहां तो अब सवारी नहीं है। चली गई पक्का? चलो ये तो काम हो गया है, अब मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना बाबा। अच्छा अच्छा हाँ। अरे सीमा, अरे जरीना, मेरी किरण, मेरा मतलब है मेरी कजन किरण किधर भाग गई है बाबा? वो बच्चू, जब तुम यहाँ नहीं थे ना, वो ऐसी अजीब अजीब बातें कर रही थी, दौरे पड़े थे, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा तो जैनी मरीज है, जरीना से पूछे क्यों जरीना। अरे फिर तो अच्छा ही हुआ बाबा, चली गई है। सलाम वालेकुम, मुबारक हो मुबारक हो। किस बात की, गंज पने का इलाज निकल आया क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे डॉक्टर का रोल मिल गया आप लोगों की वजह से। हैं सही, हमारी वजह से? भाई मुझे खवातीन ने कहा था कि हम परेशान हैं, हमारी मदद करें। लो भाई, मैंने तुम्हें पागल जाहिर करने की ऐसी एक्टिंग की मुझे रोल मिल गया। सही, मुझे पागल जाहिर करने की? ये मिठाई तो खाए भाई, मैं कामयाब हो गया हूँ मैं। अरे बाबा मिठाई खाए? तुमने हमें पागल जाहिर किया है। मैंने मैं पागल चाहिए। खट्टा मीठा इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जोनो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।